बच्चा कहाँ से हो गया? करीब 1.5-2 साल से तो बिस्तरे में पड़ा। अरे नहीं, 2 साल तो नहीं हुए हैं। नहीं का, जौन साल हमारी भैया भी आई रही, तभी इन्हें से तो बीमार पड़ा रहा। हाँ, जब हमारे शंकर को जबरदस्ती फौज में भर्ती करके लड़ाई पे भेजा गया था, तभी ना वो गब्बर बीमार पड़ा था। यही लिए हम लोग सोचित रहन कि वो गब्बरवा सार बीमारी के नाटक कर रहा है। हाँ। कि कहीं का जमींदार साहब फौज में भर्ती करा के लड़ाई में भेज दे। लेकिन हम लोगों का सवा गलत निकला। हाँ। अब तो ये सच्ची मुच्ची मरने वाला है, आखिरी सांस से गिर रहा है बस। अरे कहीं मर ही तो नहीं गया? नहीं नहीं, बेचारी दुल्हन किस्मत की धनी है, दम निकलने से पहले आ गई। लेकिन ये बच्चे वाली बात कुछ समझ ना आई। देखो पता नहीं क्या कानाफूसी कर रहे हैं, लड्डू भी खाएंगे ठूस ठूस के और हमारी मीन मेक भी निकालेंगे। अगर ये कमबख्त आज ही ना मरा ना, कल फिर से हम मरेंगे ये मरबुक्के। विवाह में शरीक होने वाले अतिथि एवं मातम पुरुषी के लिए आए हुए मेहमानों, आज हम सब भरे दिल से गब्बर के पास खड़े हैं, जो इस समय मृत्यु शैया पर है या सुहाग की सेज पर, कहना मुश्किल है। दुल्हन के लिए सुहाग की सेज पे जाने की घड़ी और दूल्हे के लिए मौत की गोद में सो जाने की घड़ी नजदीक आ रही है। मेरे बच्चों, ये है भगवान की माया, माया महा ठगिनी हम जानी। अरे तुच्छे पंडितों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, लेकिन क्या करें, बुलाना ही नहीं पड़ता है। अच्छे पंडित ससुर पैसा भी तो बहुत लेते हैं। लड्डू आ गए। एक एक और लेके आओ। अरे बहुत स्वादिष्ट लड्डू है। कौन है लड्डू? अरे तेरा शॉल तो बड़ा बढ़िया है, कहाँ से खरीदा? अरे लड़ाई खत्म हो गई है ना। हाँ। सिपाही वापस लौट रहे हैं, उनके पास बढ़िया बढ़िया विदेशी सामान है, बड़े कम दाम में बेच देते हैं। मुँह क्या लड़ाई खत्म हो गई? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं? बिल्कुल, आज की खबर सुनाता हूँ आप लोगों को। हमारे महाराजा जो फरार हो गए थे, उन्होंने फिर से राजगद्दी संभाल ली। खैर जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि लड़ाई खत्म हो गई। अरे मैं खुद मिली हूँ आने वाले सैनिकों से। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? घबरा गई बेचारी। बैठ जा दुल्हन, आराम से बैठ जा। अभी किसी ने कहा सिपाही वापस लौट रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था। इसका मतलब? अरे तू क्या सोचने लगी अब? शहर के हंगामों से बुलाओ में क्या लेना देना? अरे लड़ाई खत्म हुई, अच्छा हुआ। हार जीत तो बड़े लोगों की होती है, बेचारे सैनिक दोनों तरफ से मारे। शांति रहेगी तो कम से कम जबरदस्ती फौज में भर्ती तो नहीं होगी। अरे यार कितने लड्डू ठुसरा दिए। अरे मैं कब पैसे हकता हूँ? अरे इस तरह का दीते फाड़े हैं साले। मैं इस तरह की दावत खाने का राजा था। भागा यहाँ से, नहीं तो धक के मार के भागा यहाँ से। कमीनी, मुझे चिंता देख कर तुझे सांस रुक गया ना, तेरे सारे इरादों पर पाली फिर गया ना। पहले तो बेचारी एक कुंवारी लड़की को माँ बनना पड़ा उस बच्चे की, और फिर एक पति भी मर दिया गया उसके सर पर, और उसका प्रेमी वापस लौटने को। अरे बुलावे वाह। नदी किनारे Bye.
किए जा रहा है। अरे यहाँ खड़ा फौज का खजांची, 70 मुद्राएं माहवार वाला। खजांची 70 मुद्राएं? हाँ, मकान भी मिलेगा अब। वो बैरकों के पीछे खजूर के पेड़ तले। हाँ हाँ वही। लगता है कोई इंतजार में आंखें बिछाए बैठा रहा है। हाँ सुमन, अब बुला तो नहीं दिया, अब मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है ना? क्या मतलब, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? सुमन, अब मैं कभी शहर नहीं जा पाऊंगी। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? वहां मैंने एक सिपाही को मारा था। अरे तो हमारी उशर है, बिना बात का तो नहीं मारा होगा। अब मैं तुम्हारी नहीं रही सुमन। क्या मतलब, कोई और, किसी और से? सुमन मेरी बात समझने की कोशिश करो, दिल से मैं अभी तुम्हारी ही हूँ। तुम्हारे और हमारे बीच में कभी कभी कोई नहीं आ सकता। किसी और की हो तो गई हो, पर सुमन मेरी हो और मेरी ना भी हो, क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुमन, तुम्हारे और हमारे बीच में एक तूफानी नदी जो आ रही है। सुमन क्या तुम इस पार नहीं आ सकते? शायद अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सुमन, जरूरत है, तुम इस पार आ जाओ सुमन, जल्दी सुमन। ये सुनने के लिए कि मैंने लौटने में बहुत देर कर दी? नहीं सुमन, मेरी बात सुनो सुमन। सुमन खास पर एक तोपा भी दिखाई दे रहा है, क्या कोई नन्ना मुन्ना भी आ गया है? है सुमन, छुपाओगे क्यों? पर तुम परेशान मत हो, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है वो सुमन, वो बस अब किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब जानने के लिए बचा ही क्या है। सुमन, वो सुमन, मेरा लॉकेट मुझे वापस दे दो, या बेहतर है उसे नदी में फेंक दो। सुमन मेरी बात सुनो सुमन, इस तरह मत जाओ, वो मेरा बच्चा नहीं है सुमन, वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरी बात क्या, तुम ही उषा? ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ। सुमन, सुमन। इस बच्चे को शहर ले जाने के लिए सरकारी आदेश हुआ है। संदेह किया जाता है कि ये बच्चा स्वर्गीय सूबेदार अग्नि प्रताप का बेटा और उनका वारिस भानु प्रताप है, इसीलिए सूबेदार की पत्नी ने दावा किया है। और ये रहे कागजात। ये मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं बच्चे को अपने संग लेकर हथियार बंद चल दिए शहर, दुखिया लड़की पीछे पीछे खतरा साथ रहा। बच्चे की असली जननी भी उसको वापस मांग रही थी, और बेचारी लड़की उषा पाप कचहरी। वो कैसा होगा, कौन बनेगी उसकी माता? बच्चा सज्जन है या दुर्जन है, जज बनकर जो बैठा है वो अजब दास है, अजब दास वो जज बन कर दो। सज्जनों, मुकदमे की सुनवाई से पहले हम आपको सुनाएंगे दास्तान अजब दास की, कि वो कैसे जज बना और कैसे करता था वो फैसले। अजब
कहानी तुम्हें सुनाते अजब दास की। वो कैसे बना था जज, न्याय कैसे करता था। वो कैसे बना था जज, न्याय कैसे करता था। उस विजयादशमी के दिन जो विद्रोह हुआ था। उस विजयादशमी के दिन जो विद्रोह हुआ था। जमींदारों ने राजा का तख्ता उलट दिया था। अजब दास उन दिनों गांव का मुंशी था, जो जंगल में एक छिपा भगोड़ा उसे मिला था। आजा आजा, अबे आना। अबे ये हिनाना बंद कर, घोड़ा है क्या? और ये जो तू सिपाहियों से जान बचाकर भाग रहा है, इससे फायदा? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अबे चुप, भूखा है, ले रोटियां हैं, खा। बहुत दिनों का भूखा है। अबे तो सर पर पैर रखकर क्यों भाग रहा था गधे की औलाद, वरना वो लोग तुझे देख भी नहीं पाते। और कोई चारा नहीं था। चुप, डरपोक साला। और अब ये रईसों की तरह नाक धो मत सिकोड़। अमीर सुअरों को तो परमात्मा ने बना दिया है, सो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, पर तू जैसे को कहे मेरी जूती। हाँ अबे कुछ बोलता क्यों नहीं? ए, जरा हाथ दिखा। सुना नहीं तूने? हाथ दिखा। अबे हाथ दिखा। सा गोरा मुलायम। तो तू भिखारी भिखारी नहीं है? अबे मैं तुझे सिपाहियों से बचा रहा था भला आदमी समझकर, पर तू तो जमींदार लगता है, फिर ऐसे क्यों भाग रहा था? जमींदार ही है ना कसाई। चलो निकल भाग यहां से। किसानों का हत्यारा, जल्लाद कहीं का। वो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें शरण चाहिए। हम वचन दे। क्या क्या देते हो? वचन? हद है बदतमीजी की, ये साला वचन दे रहा है। अबे चल निकल यहां से। बात समझने की कोशिश करो, एक रात रुकने की 1,00,000 मुद्रा। अबे तू समझता है कि मैं बिक जाऊंगा, वो भी 1,00,000 मुद्राओं में? 1,50,000 देनी है? हाँ, अभी नहीं है, बाद में भिजवा दूंगा, विश्वास करो। विश्वास तो कतई नहीं करूंगा। चल उठ निकल यहां से। चल जा। अजब दास जी, मैं घर पर नहीं हूं। शिवदास तुम फिर आ गए मेरी जासूसी करने? अजब दास तुमने फिर एक खरगोश चुरा लिया, तुमने तो वादा किया था कि अब ऐसा नहीं करोगे। शिवदास जब तुम कुछ समझते नहीं हो तो खामखां बीच में टांग मत अड़ाया करो। खरगोश एक बेहद खतरनाक और नुकसान पहुंचा देने वाला जानवर है, वो फसल को तहस नहस कर देता है, इसलिए उसका सफाया कर देना जरूरी है। अजब दास मुझ पर रहम करो, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे तुम दिल के बहुत अच्छे आदमी हो। मैं बिल्कुल अच्छा अच्छा नहीं हूँ। अरे तुम बहुत अच्छे आदमी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अरे तुम हो। अरे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अरे तुम हो जाओ दास। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। और कितनी बार तुमसे कहा कि मैं दिल से नहीं दिमाग से काम लेता हूँ। अरे मैं जानता हूँ अजब दास कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा अजब दास तो तुम ही बताओ कि अगर जमींदार साहब के घर से खरगोश चुरा लिया जाए तो मुझे, अरे गाँव का चौकीदार होने के नाते, चोर के साथ क्या सलूक करना चाहिए? वाह बहुत अच्छे, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे शर्म करो शिवदास, मैं तो खरगोश पकड़ता हूँ लेकिन तुम आदमी पकड़ते हो, मैं खरगोश खाता हूँ लेकिन तुम आदमखोर हो। आदमी परमात्मा का होता है, परमात्मा तुम्हें दंड देगा। जाओ और घर जाकर प्रायश्चित करो। जाओ जाओ। अरे पर नहीं, 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 नहीं कुछ नहीं, घर जाओ और जाकर तौबा करो।
क्यों ताजुब हो रहा होगा ना कि मैंने तुझे पकड़वा क्यों नहीं दिया? अबे तू तो तू, मैं तो एक खटमल तक को इन जालिम सिपाहियों के हवाले नहीं करता। अब कब कपाना बंद कर और रोटी खा। अबे घामड़ गरीबों की तरह खा वरना पकड़ा जाएगा। अब ये भी बताना पड़ेगा कि गरीबों के तौर तरीके क्या होते हैं। इधर आ, इधर आ और उकड़ो बैठ। अब रोटी को हाथ में छिपा कर रख, ऐसे मानो कोई उसे छीनने आ रहा हो। हाँ अब खा, और रोटी को लालच की नहीं दुख भरी नजर से देख, क्योंकि ये भी खत्म होने वाली है। हथियार बंद तेरा पीछा कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि तू भला आदमी होगा, मगर हो सकता है कि वो गलती से तेरे पीछे पड़े हों। कहने का मतलब ये, अब अजबदास का रोल हम करेंगे। मतलब ये कि मैं तुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। बूढ़े को भिक्षुक के धोके अजबदास ने टिका लिया था, वो बना है भिक्षुक हत्यारा है बाद में उसको पता चला। बना है भिक्षुक हत्यारा है बाद में उसको पता चला था। पता चला जब भिक्षुक को खुद अत्याचारी राजा था। अत्याचारी राजा था, अत्याचारी राजा था। अजबदास भर उठा ग्लानी से खुद को बहुत लताड़ा था। खुद को बहुत लताड़ा था, खुद को बहुत लताड़ा था। अजबदास भी अजबदास था, चिल्लाया वो हाय हाय, ले चलो अदालत में मुझको वहीं पे होगा मेरा। ले चलो अदालत में मुझको वहीं पे होगा मेरा। मैंने मदद की फरार होने में महाराज के, उस डाकू हत्यारे महाराज के, इंसाफ के नाम पर मैं मांग करता हूँ कि खुली अदालत में मुझ पर मुकदमा चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा मुझे दी जाए। ये साला कौन है? अरे ये गांव का मुंशी है अजबदास। मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, विश्वासघाती हूँ। अबे घमर बताना इन्हें कि कैसे मैंने जिद करके जबरदस्ती अपने आप को बंधवाया और शहर की अदालत में ले चलने को कहा था तुमसे, क्योंकि मैंने महाराज को शरण दी उस मक्कार जल्लाद को। गलती से, गलती का पता मुझे तब लगा जब जब ये दस्तावेज मुझे अपनी झोपड़ी में मिला। अबे बताना इन्हें कि कैसे मैंने तुझे मजबूर किया लगातार आधी रात पैदल चलकर यहाँ आने के लिए, ताकि ताकि अदालत को सब मालूम हो जाए। अरे तुमने मुझे डराया, धमकाया, जबरदस्ती की, ये तुम्हें ठीक नहीं किया। बकवास मत बेवकूफ। अरे तुझे कुछ मालूम भी है? एक नया युग आ रहा है, अब यह युग बिजली की तरह टूटेगा और तुम खाक हो जाओगे। पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर बात की जांच पड़ताल होगी और सबके सामने लाई जाएगी। अपराधी को अपना अपराध खुद कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता की नजरों से बच नहीं पाएगा। भाइयों भाइयों, मैंने अपनी बेवकूफी से उस मारा।